हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग अ ग्रेट वर्क इन योर कैरियर। सो आज का टॉपिक मैं छोटा सा इसलिए लाया हूँ कि मैंने एक फीचर देखा था गिटहब का, उसके बारे में पढ़ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। उसके अंदर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गिटहब कैसे आपकी प्रोफाइल बन सकती है, कैसे आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है आपके प्रोफेशनल कैरियर के अंदर, कि आपने किस प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, आपने किस किस टेक्नोलॉजी पर काम किया हुआ है, आपने किस तरह से काम किया हुआ है, मतलब कि आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट पर काम किया है या आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट्स किए हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर किया है, डिफरेंट लॉजिक सिनेरियो, आपके कोड कैसे लिखने का तरीका क्या है, वो सब आप अपने गिटहब के ऊपर रेपोस के जरिए आप किसी क्लाइंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है, एज अ CV आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका मेन रोल होता है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका की रोल जो है वो गिटहब आजकल लाजमी चल रहा है, और उसने इसी ने आपके प्रेजेंट करने के लिए आपको एक न्यू फीचर दिया जिसके बारे में आज बात करूँगा, जो कि है गिटहब का आपकी पर्सनल URL नेम से रेपो और उसके ऊपर आपका रीडमी। ये बेसिकली पोस्ट मैंने उस पर पढ़ा था, इंस्टाग्राम पढ़ा था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, पढ़ा उसके बारे में, तो मुझे पता चला कि इस तरह से काम होता है ये। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जिसके अंदर मैंने गिटहब खोला हुआ अपना, मैं अपना जो है वो न्यू रेपो पे गया, सही है। न्यू रेपो के अंदर जाके मैंने यहाँ पर अपना URL यूज़र नेम डालूंगा, रेपो का नाम ज़ैन बिन फुरकान। तो देखें इसने हमें एक मैसेज भी किया, यू फाउंड अ सीक्रेट ज़ैन बिन फुरकान इज़ अ स्पेशल रिपोजिटरी दैट यू कैन यूज़ टू ऐड अ रीडमी टू योर गिटहब प्रोफाइल, मेक श्योर इट्स पब्लिक एंड इनिशियलाइज इट विद द रीडमी टू गेट स्टार्ट। मतलब ये आपकी पब्लिक होनी चाहिए रेपो, ठीक है, और ये आपकी जब प्रोफाइल एज अ प्रोफाइल आपके रीडमी के फाइल के अंदर आपका चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये काम किया हुआ, मैं एज अ प्रोफाइल वर्डप्रेस डेवलपर हूँ या फुल स्टैक डेवलपर हूँ या फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, बैक एंड डेवलपर हूँ, वो जो भी आप लिखना चाहें, जैसे CV के अंदर पूरा एक प्रोफाइल बनाते हैं वैसे ही आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसको इनिशियलाइज विद दिस रेपो विद रीडमी और क्रिएट रेपो कर दें आप, देखते हैं क्या होता है। हाय देयर, अब इसके अंदर आप जो है वो अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय देयर, आई एम ज़ैन अहमद फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, ये करा मैंने इसको कमिट कर दिया, और देखते हैं कि हमारे पास ये कहाँ शो होगा ताकि पता चले हमें। ये आ गया, ये देखें, मैं जब भी कोई बंदा आता है ऑब्वियसली वो ऐसे ही आपकी प्रोफाइल को ऐसे विजिट करता है, तो आपके देखें सबसे पहले ऊपर ये चीज़ आई है कि हायदर आई एम फुल स्टैक डेवलपर। अब इसके अंदर आप पूरी CV बना सकते हैं कि मैं कहाँ काम करता था या मैं किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका हूँ। मतलब मैं एक छोटा सा एडिट करके दिखाता हूँ, जैसे मैं अपना एडिट करता हूँ और हूँ करूँगा अगर, तो मैं ऐसे करूँगा हायदर डेवलपर, आई वर्क एज फ्रंट एंड डेवलपर, सही है, वर्किंग ओके, हेयर सम आइडियाज टू गेट यू स्टार्ट, आई एम करंटली वर्किंग ऑन, आई करंटली लर्निंग, आई एम फॉलोइंग क्रैबलेट ऑन, आई एम लुकिंग फॉर हेल्प विद सम, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, मतलब फन इसके लिए जो चीज़ें उन्होंने आपके पोर्टफोलियो के लिए दी है। एक और मैं डालता हूँ इसके अंदर डेवलपर, आई हैव डाल के देखते हैं, ट्राई करते हैं, आई हैव एक्सपर्टीज, मेरी स्पेलिंग तो प्लीज बता दीजिए, मैं स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ, आई हैव एक्सपर्टीज इन, हाँ, रिएक्ट लाइब्रेरी, ठीक है, करके देखते हैं क्या आता है। पीछे की आवाज़ को इग्नोर कर देगा कोई आ रही हो तो प्लीज, मेरे पास ये एक रूम है, या ही जस्ट लाइक दैट कि हमने क्लिक किया। अच्छा, ये URL भी दे सकते हैं, वाओ, मतलब आप इधर URL भी डाल सकते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो उसका URL भी आप डाल सकते हैं, क्लिक करेगा तो URL भी जा सकता है, ग्रेट यार। तो आई रोट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं। मैं जाके देखता हूँ ये व्यू कैसा होता है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो या जैसे कि मैंने बताया था और अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, गिटहब पे अपने लिंक्स, अपने वर्क और अपने रेपो ज़रूर बनाएं, काम करें, दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये आपकी आने वाले वक्त में मेन चीज़ है गिटहब, तो इसको एक्सप्लोर करें।
और न्यू फीचर में पढ़ें, ये आपकी बहुत बेहतरीन चीज़ करी उन्होंने कि कोई भी आगे अगर बंदा देखता है तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया। आपको रिज्यूमे की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है फिलहाल, जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते फिलहाल के लिए। लेकिन जब कोई एक एक, एक जो दिमाग वाला बंदा होगा ना, वो यहीं जाके देखेगा रेपो के ऊपर कि आपके कितने प्रोजेक्ट हैं जो आपने करे हुए हैं, किस तरह से आपका ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो सब आपको यहीं पता चलेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसी के ऊपर काम करें, आप इसके ऊपर अपनी रेपोज बनाएं, जो काम कर रहे हैं वो इसके ऊपर डालें, इसको अच्छे से मेंटेन करें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में या कोई स्नैपशॉट वो अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं अपना एक अच्छा सा बेहतरीन सा पोर्टफोलियो बना के इस पर डालूंगा, ताकि आपको भी थोड़ी सी गाइड मिल सके और थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं एक अच्छे टॉपिक पर ला रहा हूँ, जिसके अंदर हम दो तीन चीज़ें देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ फीडबैक मी, अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कुछ मैं वीडियोस बना के डाल सकता हूँ किसी ऐसी चीज़ पे जो आपको परेशानी हो रही हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।